ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन एज वेल। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है, आज जो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो यहाँ से एक्चुअली में हम लोग प्रोग्रामिंग में एक लेवल आगे बढ़ गए। और ये जो कंडीशंस है या ये जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिचुएशन ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे हमें डिसीजन बनाने होते हैं। डिसीजन का मतलब है कोई कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम एक काम करेंगे, नहीं तो दूसरा काम करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। मान लो आप एग्जीक्यूशन कर रहे थे अपने कोड का, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे एक डिसीजन बना, तो इस डिसीजन में क्या होगा, एक कंडीशन होगी। इस कंडीशन के दो ही आंसर हैं, या तो आएगा ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, और यह आएगा फॉल्स, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब फॉल्स होगा तो एक काम करेंगे, जब फॉल्स होगा तो एक काम करेंगे, और जब ट्रू होगा तो एक काम करेंगे। तो अभी ये काम हमारे पास में क्या है, स्टेटमेंट का सेट, और ये भी एक स्टेटमेंट का सेट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा या यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग अपने फ्लो को यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में। तो ये जो है, जो मैंने बनाया, ये है फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट किसका है, कंडीशंस, और कंडीशन में भी किसका, इफ एल्स का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आता, वो है इफ और एल्स। तो जनरली इफ और एल्स को साथ में रखा जाता है, साथ ही में रखो, क्योंकि हमेशा हमेशा सिचुएशन यही आएंगी आपके पास में कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो एक काम करना है, अगर फॉल्स हुई तो दूसरा काम करना है। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि कंडीशन ट्रू हुई तो एक काम करेंगे और फॉल्स में कुछ नहीं करेंगे। तो ये बहुत कम सिचुएशन होती है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि काम ही नहीं करना है फॉल्स में, तो एल्स मत लिखना, नहीं तो अदरवाइज इफ के साथ में हमेशा एल्स लिखा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जानने वाली चीज़ है कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन का मतलब क्या है। तो कंडीशन का सीधा सीधा मतलब है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको ट्रू या फॉल्स देता हो। अब ट्रू और फॉल्स का सी में क्या मतलब है, ट्रू का मतलब है एनी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, इसे ट्रू माना जाता है। और फॉल्स का मतलब है ज़ीरो, अगर कभी भी वैल्यू ज़ीरो आ गए तो इसे माना जाएगा फॉल्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपने लिखा ए में है 10, बी में है 20, और नीचे लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी, ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन हो गया, इसमें एक रिलेशनल ऑपरेटर आ गया ग्रेटर देन। तो अब ये चेक करने वाला है, ए का मतलब है 10, बी का मतलब है आपका 20, तो क्या 10 20 से बड़ा है, अभी तो नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि ज़ीरो, ठीक है। अगर यही चीज़ उल्टी होती, बी ग्रेटर देन ए, तो अब ये एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आने वाला है, ट्रू, ट्रू का मतलब इसका वैल्यू आने वाला है 1, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको ट्रू और फॉल्स देता हो, ट्रू और फॉल्स देता हो, उसको कंडीशन बोलते हैं। और कंडीशन है तभी तो इफ एल्स बनेगा, क्योंकि बिना कंडीशन के कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से जोड़ो। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग थिंकिंग है। हमेशा मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट अ थिंकिंग। आप सोचते हो, वही प्रोग्रामिंग है। बस सोचने के वक्त आप सी लैंग्वेज का सिंटेक्स यूज़ करके सोच रहे हो, तो दैट इज़ सी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम करने जाना था, तो आप हमेशा अपने रियल लाइफ में ये सोचते हो ना कि ये काम मैं करूँगा, अगर मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो रियल लाइफ में भी एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप डिसीजन बना रहे होते हो कि मैं करूँ कि ना करूँ। तो ऐसे ही जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो प्रोग्राम में भी हम ये डिसीजन लेते हैं कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये डिसीजन हमेशा बनाने पड़ेंगे आपको, चाहे प्रोग्राम में बनाओ चाहे रियल लाइफ में बनाओ। बट जब भी डिसीजन बनाएंगे तो कंडीशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है इफ एल्स। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल या प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाते समय आपको सिंटेक्स जरूर याद होना चाहिए। अब सिंटेक्स में बच्चे गलती करते हैं हमेशा, तो सिंटेक्स को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि कभी भी
जब भी आपका इफ आए या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आए तो आप कभी भी उसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगाओगे। आप हमेशा एक रूल मान लो, ये रूल ये है कि इफ के बाद या एल्स के बाद या फॉर के बाद या वाइल के बाद या डू के बाद, डू वाइल में जरूर आएगा, डू वाइल में आएगा, इसमें आएगा, इन सब के बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं आता। इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेमी कॉलन, ये गलत है, कभी भी सेमी कॉलन नहीं आएगा। किसका? इफ है, एल्स है, स्विच है, स्विच के बाद में भी कभी भी इफ एल्स या सेमी कॉलन नहीं आता। ये तो पहला नियम है, इसको रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो। इफ के बाद, एल्स के बाद, फॉर के बाद, वाइल के बाद में कभी भी सेमी कॉलन नहीं आएगा। हाँ, डू वाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे आता है। डू वाइल जब भी लिखोगे तो वाइल के बाद में एक एक्सेप्शन या सेमी कॉलन जरूर आएगा, ठीक है? तो ये वाली बात हमेशा याद रखना। अब देख लो इफ का सिंटेक्स कैसा है। तो सिंटेक्स अगर याद है तो आप काम कर पाओगे। सिंटेक्स के लिए फ्लो चार्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो हमने लिखा इफ, ये स्मॉल में लिखा जाएगा और यहाँ पे कोई कंडीशन दी जाएगी, इसको हमने एक वर्ड लिख दिया कंडीशन, फिर ब्रैकेट, कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ जितने मर्जी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एक है वो भी कर्ली ब्रेसेस में रखो और बहुत सारे हैं तो वो भी कर्ली ब्रेसेस में रखो, इसलिए मैंने एस को ब्रैकेट में लिख दिया। एक भी होगा और मल्टीपल भी हो सकते हैं, फाइनली आप इसको बंद कर दोगे। अब ना तो यहाँ ना यहाँ कहीं पे भी आपका सेमी कॉलन नहीं आएगा, ठीक है? और ये जो कंडीशन होगी, ये कोई भी एक्सप्रेशन होगा जो आपको या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा। और सी में ट्रू वैल्यू का मतलब है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ट्रू वैल्यू मानी जाती है और जीरो को फॉल्स माना जाता है। ये सी में आपने हमेशा याद रखना, ठीक है? अगर अभी लोग, आप लोग अगर इसको अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो मैं अगर एक छोटा सा इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो बताना है ये ठीक है कि नहीं। ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दिया मैंने, लिख दिया प्रिंट एफ हेलो। बताओ क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ए में मान लो 10 है और बी में मान लो 2 है, बताओ गलत है सर। गलत क्यों है? सर वो इफ वाले में अपने सेमी कॉलम लगाया हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि यहाँ भैया इफ के बाद सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है, लॉजिकली ये गलत है, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा इस पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये स्टेटमेंट चल जाएगा, ठीक है? एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मान लो ये है, मान लो ए पार्ट, और एक लिख देता हूँ बी पार्ट। मान लो इसमें मैंने कंडीशन दे दी, मान लो -10, और अंदर जाकर करके मैंने दे दिया प्रिंट एफ बाय BYE बाय। अब बताओ ये स्टेटमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ चलेगा सर शायद नहीं चले। क्यों नहीं चलेगा? अभी अभी बताया था ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को क्या माना जाएगा? ट्रू, ठीक है? तो इफ इसको ट्रू मान लेगा, ट्रू मान लेगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, कोई गलती है ही नहीं इसमें, ठीक है? अच्छा, एक और सी पार्ट देख लो, एक और सी पार्ट देख लो। इफ 10 -10 और अंदर आ गए, नीचे लिखा प्रिंट एफ और हेलो मान लेते हैं, क्या ये स्टेटमेंट चलेगा? बताओ 10 -10 क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। तो जीरो होगा तो कभी भी इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, इफ के बाद अगर एल्स लिखा होता तो वो चलता है, ठीक है? ये हो जाएगा जीरो, और जीरो को क्या माना जाता है, क्या माना जाता है सी में? फॉल्स, फॉल्स ठीक है? ठीक, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग गया हो इस चीज़ का तो आप इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी करके देख सकते हो। तो हमेशा कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग, ऑल्ट एफ न्यू, क्या नाम रखेंगे, हाँ इसको सेव करेंगे, ऑल्ट एफ सेव, इसका नाम रख देता हूँ मैं इफ एस टी एम डॉट सी, इस तरीके से नाम रख दिया। F5 से स्क्रीन को हम कर देते हैं बड़ा, ठीक है? पहली लाइन क्या लिखते हैं? इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। सेकेंड लाइन क्या लिखते हैं? इंक्लूड conio.h, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट .h। फिर क्या लिखते हैं हमेशा? मेन फंक्शन,
मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड, और इसके अंदर में करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इफ, और इसमें लिख दिया 10, अंदर आए ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, अब जानना है कि ये प्रिंट एफ होगा कि नहीं होगा, ये स्टेटमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एल्ट एफ सेव, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को ट्रू मान लेगा, ट्रू मान लेगा तो ये हमेशा इसको चलाएगा। ऑल्ट आर करो, रन करो, तो आपकी स्क्रीन आएगी, प्रोग्राम चला, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं हुई। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए क्या लगाते हैं, गेट सी एच। ठीक है, अच्छा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए भी यहाँ एक चीज़ लगाते हैं स्टार्टिंग में, वो लगाते हैं सी एल आर सी एल आर, बिल्कुल ये दो लाइनें हमेशा होनी चाहिए। ऑल्ट एफ करो, सेव करो, ऑल्ट आर करो, रन करो। ठीक है, अभी आ गया हेलो। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि एनी पॉजिटिव वैल्यू इज कंसिडर्ड ट्रू। चलो अब 10 को माइनस 10 कर देते हैं, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन, फिर भी आ गया हेलो। इसका मतलब एनी नेगेटिव वैल्यू इज कंसिडर्ड ट्रू। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा स्टेटमेंट वही लिख देता है 10 माइनस 10। अब 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो आएगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ऑल्ट आर रन करो, स्क्रीन आएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आया इफ कंडीशन पे, यहाँ पे इफ पे यहाँ पे आया, 10 माइनस 10 हुआ जीरो, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये इफ के अंदर जाएगा नहीं, सीधे बाहर आएगा गेट सी एच पे और रुक जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा, पहले इफ को समझो। अच्छा अब बात आती है कि गलती से अगर बच्चों ने ये लगा दिया और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ठीक से दे देते हैं, ऊपर एक बना लेते हैं एस एच ओ आर टी शॉर्ट ए, इसमें रख लेते हैं मान लो 20, और बी इसमें रख लेते हैं मान लो 10। छोटी सी एक कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन है, रिलेशनल, और ये हमेशा क्या देने वाला है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जीरो और वन देने वाला है। तो अभी ए में है 20, बी में है 10, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू के फॉल्स, बताओ, ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, और ट्रू होने के बाद में इफ चलना चाहिए और क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ऑल्ट एफ करते हैं, ऑल्ट आर करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, हो गया, पर लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तो एक गलती थी, इफ के बाद सेमी कॉलन लगाया हुआ है फिर भी हेलो प्रिंट हुआ। अब ये चीज़ समझाते हैं, अगर ये चीज़ थी तो इफ के बाद कोई स्टेटमेंट ना होने की वजह से यहाँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद ये आया नीचे और प्रिंट एफ को प्रिंट कर गया। लेकिन अगर यहाँ पे होता एल्स पार्ट, ऐसे एल्स पार्ट में लिखा होता प्रिंट एफ बी वाई बाय, ठीक है, कंडीशन होगी ट्रू तो प्रिंट करना चाहिए हेलो, और फॉल्स होगी तो प्रिंट करना चाहिए बाय। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव, ऑल्ट करते हैं, आर रन करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एक एरर। एरर क्यों आई, एंटर मारेंगे एरो की से हम इसमें देख सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, जहाँ पे भी एरर आती है एरो की को अगर वहाँ पर लेके जाओगे कर्सर को, तो साथ ही साथ नीचे एडिटर में दिखाता भी है किस एरर पे, किस लाइन पे, उस लाइन को हाईलाइट कर देता जहाँ एरर है। अब यहाँ पे कह रहा है मिसप्लेस्ड एल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ को आपने टर्मिनेट कर दिया, जब इफ टर्मिनेट हो गया तो ये एल्स किस इफ के साथ में पता ही नहीं चलेगा कंपाइलर को, इसलिए कंपाइलर ने एरर मार दी। ठीक है, तो अभी अभी आपने देख लिया कि अगर एल्स पार्ट नहीं था तो इफ के बाद सेमी कॉलन लगा देने से भी एरर नहीं आई, वो पकड़े नहीं पाया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर एल्स पार्ट है तो इफ़ के बाद ये सेमी कॉलन लगा देने से समझ में आ गया कि ये एल्स अब किस इफ का है, किसी इफ का नहीं, क्योंकि इफ़ को तो टर्मिनेट कर दिया, तो इसलिए वो एरर मार रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि समझ लो इफ़ एल्स फॉर वाइल, इनके बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाओगे, लगाओगे कभी एरर आएगी तो समझ में आ जाएगा, कभी एरर नहीं आएगी तो पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा मान के चलोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, इनके बाद में क्या नहीं लगाना, कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाना। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम में भी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेने होते हैं कि इफ़ अगर एक एक एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो मैं ये काम करूँगा, एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ तो मैं ये काम करूँगा। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट बना हुआ है दैट वी कॉल इफ एल्स, समझ में आया।
तो ये मेरा पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है, कौन सा है, इफ एल्स। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और बना लेते हैं। उस एग्जांपल में मान लो हम एक छोटा सा प्रोग्राम कंसीडर कर लेते हैं कि हम यूजर से पूछेंगे, छोटा सा प्रोग्राम जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द इफ एल्स, कि आस्क यूजर टू एंटर मार्क्स। सबसे सिंपल प्रोग्राम होता है, एंड इफ द मार्क्स मान लेते हैं ग्रेटर देन लेट्स सपोज 50, देन स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज फेल। ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम कर लिखने के लिए अब हमारे को सिचुएशन क्या मिली कि एक मार्क्स नाम का वेरिएबल होना चाहिए, उसमें मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा मार्क्स को, मान लो 10 इनपुट करा दिया। फिर बाद में कंडीशन बनानी है कि क्या एम ग्रेटर देन 50 है, अगर एम ग्रेटर देन 50 हुआ तो मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ करना है पास, और एल्स अगर नहीं हुआ अदरवाइज तो मुझे क्या प्रिंट एफ करना है, फेल। सिंपल सी सिचुएशन, कहीं इफ नहीं, कहीं बटन नहीं, कुछ और सोचना है नहीं, बस ये छोटा सा कोड मुझे लिखना है। अब ये कोड समझ में आ गया तो हम सीधे सीधे आ रहे हैं अपने कंपाइलर पे, ऑल्ट एफ करा, न्यू करा, फिर से ऑल्ट एफ करके सेव करो क्योंकि फाइल है नई। इसको इफ एस एम टी 2.c नाम से सेव कर लेता हूँ। F5 से स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। पहले लाइन क्या लिखेंगे, इंक्लूड इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे, इंक्लूड conio.h। फिर लिखेंगे मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड। सबसे पहले ये ऐसा स्ट्रक्चर बना ले तो गलतियाँ नहीं होती। उसके बाद अब आप प्रोग्राम में सोच रहे हो कि ठीक है, यू नीड अ वेरिएबल एम जहाँ पे आप मार्क्स को पूछोगे। अब आप पहले से डिसाइड करो मार्क्स किस तरीके का हो सकता है। फॉर द सिंपल केस हम मान लेते हैं यूजर एंटर करेगा 10, 15, 20, 25, 30। यूजर तो 30.5 भी एंटर कर सकता, मार्क्स मार्क्स ये भी हो सकते हैं। पर अभी फिलहाल मान लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए, हम मान लेते हैं कि वो जो यूजर एंटर कर रहा है वो होल नंबर या इंटीजर एंटर करेगा। तो इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर का होना चाहिए। इंटीजर भी छोटा इंटीजर है तो शॉर्ट बनाएंगे, बड़ा इंटीजर होता तो लॉन्ग। तो अभी फिलहाल छोटा इंटीजर है तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट मार्क्स, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मुझे पूछना है यूजर से। अभी आप सबको पता है यूजर से पूछने का तरीका क्या होता है, एक clrscr पहले से डिसाइड कर लेते हैं, नीचे गेट ch पहले से लगा लेते हैं ताकि हम भूले नहीं, और फिर यहाँ पे हम सारे काम करने वाले हैं। अब हम पहले से डिसाइड कर रखा है कि यूजर से पूछना है, तो यूजर से पूछने का तरीका क्या होता है, पहले प्रिंट एफ से एक स्लैश एन लगा के यूजर को बताओ कि एंटर द मार्क्स ऐसे। फिर स्कैन एफ लगेगा, स्कैन एफ में क्या है, इंटीजर पूछना है परसेंट डी, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लास्ट टाइम पे पढ़ा था, किस वेरिएबल में डालना है, मार्क्स में, मार्क्स का एड्रेस दे दो तो उस एड्रेस पे वो वैल्यू जाएगी। अब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन लगाना है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड। तो हमने कह दिया ठीक है, प्रिंट एफ करना है, क्या क्या कर प्रिंट एफ करना है, स्लैश एन लगा कर करके पास, और इफ के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो एल्स लिख के हमें सेकेंड वाला कंडीशन लिख सेकेंड वाला स्टेटमेंट देना है। तो वो क्या है, प्रिंट एफ स्लैश एन लगा के फेल। बस हो गया बढ़िया से प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं, एक बार ये देख लो सामने सब में सेमी कॉलन लगा हुआ है या सेमी कॉलन लगा हुआ है, जहाँ जहाँ स्कैन एफ है वहाँ एड्रेस ऑफ लिखा है, हाँ जी स्कैन एफ में एड्रेस ऑफ लिखा हुआ है। इफ के बाद कहीं गलती से सेमी कॉलन तो नहीं लग गया, ये भी चेक कर लिया जी नहीं लगा, सब कुछ बढ़िया। अगर आप चेक नहीं करोगे तो कंपाइलर अपने आप चेक कर लेगा। ऑल्ट एफ करो, सेव करो, ऑल्ट आर करो, रन करो, पूछेगा एंटर द मार्क्स। लेट सपोज अभी मैं एंटर कर लेता हूँ 40, तो 40 क्या है, कंडीशन हो जाएगी फेल फॉल्स, ठीक है। 40 50 से कम है,
कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, फेल। फेल की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आके इसको फेल की स्पेलिंग को भी मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बारी और चला लेते हैं सही वाली बात के लिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे 60 एंटर कर देता हूँ, तो ये 60 एंटर करते ही क्या जाएगा, पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो शायद गलतियाँ ना हो और इफ एल्स को अच्छे से समझ में जाओगे, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। अब आपको किसी को डाउट है इस पूरे प्रोग्राम में या इफ एल्स को लेकर के, तो प्लीज पूछे, ठीक है। दिस 2 मिनट स्पैन इज फॉर यू पीपल। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज का, तो आप लोग पूछो। नए बच्चों को समझ में आ रहा है, जो बच्चे बिल्कुल लेट ज्वाइन किए, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम को और एक लेवल बढ़ा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आस्क यूजर टू एंटर मार्क्स इफ मार्क्स इज बिटवीन 50 to 60, देन प्रिंट ग्रेड ए, एंड इफ द मार्क्स इज बिटवीन 40 to 50, देन ग्रेड बी, एंड इफ द मार्क्स इज लेस देन 40, देन ग्रेड सी। अब ग्रेडिंग सिस्टम चालू हो गया मान लो, अब ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो अब आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि तीन इफ कंडीशंस लग रही हैं, इफ दिस, इफ दिस, इफ दिस। तो ऐसी वाली कंडीशन में इफ एल्स रिपीट हो जाता है, यानी कि जैसे इफ लिखा, कंडीशन लिखी, मान लो पहली कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड जुड़ गया मार्क्स लेस देन 60, तो कुछ काम हो जाएगा। एल्स के बाद अब यहाँ पे फिर से एक बारी इफ लगाएंगे और दूसरी कंडीशन बनाना शुरू कर देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन 50, तो कुछ काम हो जाएगा। और लास्ट में एल्स, लास्ट कंडीशन तो वैसे भी एल्स वाली है, लेकिन और सिक्योरिटी के लिए इफ मार्क्स लेस देन 40 तो फेल प्रिंट करना है या कुछ और ग्रेड प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोग बना के देख सकते हो। तो चलो इस वाले प्रोग्राम को भी एक बार बना करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक बार, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। नया फाइल खोला, डॉट सी पी पी एक्सटेंशन है, ऑल्ट एफ गए, सेव किया, इसको मैं करता हूँ एफ एस एम 3.c, तो ये बन गई फाइल नई डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल। पहला लाइन क्या लिखना है, इंक्लूड stdio.h, और सेकेंड लाइन क्या लिखनी है, इंक्लूड कोन io.h। फिर लिखना है मेन, मेन के बाद ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड, पहली लाइन clrscr मार्कर के तौर पे, उसके बाद गेट ch, ये एंड मार्कर के तौर पे। clrscr से पहले ऊपर सारे डिक्लेरेशन हो जाएंगे, तो हम बना देते हैं शॉर्ट, हमें क्या लेना है मार्क्स। उसके बाद असली स्टेटमेंट शुरू होंगे, प्रिंट एफ यूजर से पूछने हैं, तो स्लैश एन हमने लिखा एंटर मार्क्स, ये पहली लाइन। यूजर से पूछने के लिए क्या लगाते हैं, स्कैन एफ, तो %d एड्रेस ऑफ मार्क्स, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लगाना मत भूलना, स्कैन एफ में एड्रेस ऑफ लगता है। तो मार्क्स से पूछ लिया, अब यहाँ से कंडीशन बनना शुरू हो जाएंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन 60। तो सभी को पता था क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्लैश एन ग्रेड ए, ये हमें प्रिंट करना था। इसके बाद एल्स लगा, पहले एल्स पे खत्म हो जा रहा था, लेकिन अब कंडीशंस और फ्लो कर रही है, तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, इफ एल्स इफ सीरीज भी कह देते हैं। तो एल्स के बाद फिर से एक बार इफ लग गया, फिर से कंडीशन लग जाएगी मार्क्स, सेकंड कंडीशन क्या थी, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन 50,
then this time you have to printf slash n grade b. Lastly, else if last condition is marks less than 40, so you have to printf slash n grade c, and that's it. Your program is ready. Now let's quickly recheck whether the things are correct or not. Short के बाद semicolon है, every statement के बाद में semicolon है, marks में address लगा, हाजी लगा, if के बाद कहीं गलती semicolon तो नहीं है, और lastly get ch अपनी जगह पे, program बिल्कुल सही है. Alt F save, Alt R run, एक error आ गई, unknown directive include. स्पेलिंग मिस्टेक सर, ऊपर इंक्लूड में सर कोनियो डॉट एच वाले. हाँ, यहाँ पे कोनियो डॉट एच वाले. वेरी गुड, थैंक यू. तो ऑल्ट एफ सेव और ऑल्ट आर रन. ठीक है, अब चल गया मार्क्स. मान लो मैं पहला ग्रेड ए चाहता हूँ, तो मुझे मार्क्स में एंटर करना चाहिए 55. तो क्या प्रिंट कर रहा है? ग्रेड ए. वेरी गुड, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं. रन, मार्क्स एंटर कर लेते हैं 40 टू 50 के बीच में 45, तो ग्रेड बी आ गया. एक और मार्क्स एंटर कर लेते हैं, इसमें लेस देन लेट से 34, तो ग्रेट सी आ गया. ठीक है, तो आप देख रहे हो सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है. बट एज पर द सिचुएशन, एंड दैट वाज द सिचुएशन दैट देयर आर मल्टीपल कंडीशंस. पहली कंडीशन लगेगी तो ये होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होना चाहिए. पहली कंडीशन नहीं लगी तो दूसरे पे जाओ, दूसरी नहीं लगी तो तीसरे पे जाओ. तो ऐसे सिचुएशन जब भी आएगी तो आपको इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है इफ एल्स को यूज करने का. तो पहले वाले प्रोग्राम में केवल एक बार ही आया था इफ एल्स, इस वाले प्रोग्राम में इफ एल्स रिपीट हो रहा है. तो इफ आया, फिर एल्स इफ दूसरी कंडीशन आई, फिर एल्स इफ तीसरी कंडीशन आई, ऐसे लास्ट में एक एल्स ला के आप इसको खत्म भी कर सकते थे. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए भी इफ एल्स बना हुआ है. ठीक है, तो दो तरीके के प्रोग्राम है, और इन दो तरीके के प्रोग्राम से हमको क्लैरिटी आ जाती है कि कैसे हमारा इफ एल्स काम करता है. ठीक ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस सर नो? यस सर. ठीक है, तो बहुत चीज बहुत बारीकी से ध्यान देखने वाली है कि कभी भी इफ के बाद में सेमी कॉलन नहीं लगाओगे. अच्छा, अब इसी का एक बड़ा भाई है स्विच. इफ एल्स का बड़ा भाई है स्विच. स्विच थोड़ा सा मजेदार भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है. मतलब इसको लिखने का तरीका बड़ा स्ट्रक्चर्ड है. तो लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटेक्स इससे समझ में आ जाएगा तुमको. तो कभी भी स्विच लिखना हो तो एस डब्ल्यू आई टी सी एस स्विच ब्रैकेट लगेगा. यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेशन, कंडीशन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन. अंदर आएंगे फिर इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू बनेगी. क्या जनरेट होगी? एक वैल्यू. इस वैल्यू के आधार पर यहाँ केस बनाए जाते हैं. मान लो इससे कोई वैल्यू जनरेट हो रही है और वो इंटीजर होनी चाहिए. हमेशा नोट कर लो इस चीज़ को कि जो भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आएगी वो या तो होनी चाहिए इंटीजर या होनी चाहिए कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर भी एक्चुअली में इंटीजर ही होता है. कैसे होता है? एग्जाम्पल के तौर पर कभी भी आप स्मॉल ए लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है 97. कभी भी आप कैपिटल ए लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है 65. तो 65 लिखो या कैरेक्टर ए लिखो, इन दोनों का मीनिंग सेम है. तो एक्चुअली में हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज एक्चुअली अ नंबर और इंटीजर नंबर होता है. तो इसलिए एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो इंटीजर होगी या कैरेक्टर होगा. तो अगर केवल इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू आएगी तभी ये स्विच काम करेगा. अगर गलती से ये फ्लोट आ गया या डबल आ गया तो फिर ये काम नहीं करने वाला. अभी प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे. ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन बिल्कुल ध्यान से समझ लो. बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, बड़ा इजी है स्विच को समझना कि स्विच लिखा, ब्रैकेट लगा, बीच में कंडीशन नहीं होती है. वहाँ पे हम लोग इफ एल्स में क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्सप्रेशन लिखते हैं. और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू या तो इंटीजर आएगी या कैरेक्टर होगी, फ्लोट या डबल नहीं हो सकती. उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको हम केस मान लेते हैं.
तो मान लो वैल्यू आ रही है 1, तो हमने बोल दिया केस 1, फिर केस 1 लिख के वो वैल्यू लिख के फिर कॉलन लगाना पड़ता है। अब यहाँ जितने मर्जी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कर लो, लास्ट में इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद केस जो सेकंड वैल्यू आ रही है, और सेकंड वैल्यू के बाद में यहाँ स्टेटमेंट लिखा, फिर इसके बाद में भी ब्रेक। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर हमारे पास एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट। हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, और डिफ़ॉल्ट के बाद में भी कुछ स्टेटमेंट लिख के, अब इसके बाद ब्रेक लिखो चाहे ना लिखो, डिफ़ॉल्ट को हम हमेशा लास्ट मानते हैं, तो हम ब्रेक नहीं भी लिख सकते, फिर ये हमारा स्विच बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का अपना एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, यह है स्विच का, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिकली एक बार यहाँ से करके देखोगे तो ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। तो मान लो हम एक एल्ट एफ ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, F5 से बड़ा कर लिया, ऑल्ट एफ करा, सेव करा, इसको मैं SWITCH switch1.c कर देता हूँ, पहले से एग्जिस्ट करता कोई बात नहीं, ओवरराइट होने दो। हैश इंक्लूड stdio.h, सेकेंड लाइन क्या आएगी, हैश इंक्लूड कौन io.h, फिर लिखा जाएगा मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ से पहला clrscr ऊपर का हिस्सा डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दो, और यहाँ पे गेट ch, ये लास्ट लाइन हो गई। यहाँ डिक्लेरेशन करना है, मान लेते हैं हम एक शॉर्ट वेरिएबल बना लेते हैं, शॉर्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो m, और अभी इसमें एक वैल्यू रख लेते हैं, लेट्स सपोज 2। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SWITCH स्विच, सिंपल एक्सप्रेशन m, उसके बाद ये आया। अब मैंने बना दिया केस अगर 1 होगा तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ हो जाए, और सपोज हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये केस 1 बनना चाहिए केस 2 बनना चाहिए। आई एम टेकिंग एनी वैल्यू m, और आई कैन पुट एनी वैल्यू इन दैट m, दो भी रख सकता हूँ, एक भी रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ, 20 रख सकता हूँ, 50 रख सकता हूँ, और एज पर योर कन्वीनियंस उस तरीके के आप केसेस बनाओ। मान लो मैंने एक केस 1 बना दिया, मैंने कहा कि जब भी मैं 1 एंटर करूँगा m में तो मेरा ये लाइन प्रिंट होना चाहिए, ये लाइन प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद मैंने इसको ब्रेक कर दिया, फिर अब मैंने सोच लिया अपने दिमाग में कि जब भी मैं 10 दबाऊँ m में मेरा 10 हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कुछ और प्रिंट कर दो, लेट्स सपोज /BY बाय प्रिंट कर देता हूँ। ये सब मेरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, मेरी सोच का हिस्सा है, मेरी थिंकिंग है। मैंने कहा कि जब भी मैं कुछ भी ना दबाऊँ या कुछ भी वैल्यू दबाऊँ जो 1 नहीं है, 10 नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो वो मैंने डिफॉल्ट में लिख दिया, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और सपोज मैंने लिख दिया डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर लगा भी देते हो तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है? ये अब ये बहुत सिंपल सा स्विच केस हो गया, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ है, देख लो स्विच के बाद में भी कभी भी सेमी कॉलन मत लगा देना, याद रखो इफ एल्स स्विच उसके बाद फॉर वाइल, इनके बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगेगा, डू वाइल के बाद जरूर लगता है, ये याद रखना है तुमको। तो ये हो गया। अब अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में एम में क्या वैल्यू है, 2, ये यहाँ पे स्विच के पास आएगा, स्विच में बोलेगा कि केस 2 पे जाओ या उस केस पे जाओ जहाँ पे 2 लिखा हो, तो यहाँ पे देखा जाएगा वो आएगा यहाँ पे 1 लिखा है कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे 10 लिखा है कुछ नहीं करेगा, तो 2 वाला केस मिला नहीं, तो वो सीधे जाएगा डिफॉल्ट पे, और क्या प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है? अगर इस प्रोग्राम को अभी आप ऑल्ट एफ सेव करो, ऑल्ट आर रन करो, तो क्या प्रिंट होना है, डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, m कोई वैल्यू है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हुआ, m को चेक किया गया, m में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो ये केस 2 ढूंढेगा, केस 2 से कहीं मिलेगा नहीं, तो ये डिफॉल्ट पे जाकर डिफॉल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब मान लो मैं m में रख देता हूँ 1, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये ढूंढेगा केस 1, और केस 1 में यहाँ मिल जाएगा, और केस 1 में जो लाइन लिखे हुए हेलो, ये हेलो को प्रिंट कर देगा। तो ऑल्ट एफ सेव करता हूँ, ऑल्ट आर रन करता हूँ, तो ये हेलो प्रिंट करने लगा, ठीक है? अच्छा, एम में रख देता हूँ 10, यहाँ पे रख देते हैं 10,
अभी क्या बनूंगा, केस 10 पे जाएगा और केस 10 पे जो भी लिखा होगा उसे प्रिंट करेगा। तो ऑल टैब सेव करता हूँ, ऑल्ट आर रन करता हूँ, तो ये मेरा ये 10 पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो कि अगर गलती से मैं ब्रेक लगाना भूल गया, कमेंट कर दिए थे मान लो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे इसने केस वन को पकड़ना है, तो ये क्या करेगा, ये केस वन पर आएगा और प्रिंट करेगा हेलो को, पर हेलो के बाद ब्रेक लगा नहीं। ब्रेक जनरली क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल को बाहर ले आता है, तो ब्रेक सिंपली कंट्रोल को यहाँ से स्विच के बाहर ले आएगा, इस लाइन पे गेट सी एच पे ले आएगा, पर ब्रेक है नहीं तो ये फ्लो कर जाएगा। तो वन का हेलो प्रिंट करेगा, फिर ये 10 पे भी चला के बाय को भी प्रिंट कर देगा, वहाँ भी ब्रेक नहीं लगा, तो डिफॉल्ट पे भी जाकर डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा। अब इसका वेरिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो, रन करो तो देखो इसने तीन ही चीज़ें प्रिंट कर दी, हेलो भी प्रिंट कर दिया, बाय भी प्रिंट कर दिया और डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ब्रेक लगाना भूल गए थे। तो जैसे जीवन में गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही स्विच केस में केस को लिखते समय केस के बाद में ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, तो एक नियम बना लो आप। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ बच्चों के मैंने कॉपी चेक कर रही थी, तो वो बच्चों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ लिख दी थी, जैसे एम एंड या कुछ इस तरीके का लिख दिया था कि ए ऊपर, इसको आपने शॉर्ट ना लेके कैर ले लिया एम मान लो, और यहाँ पे ए रख दिया, और यहाँ पे आपने ए को मैच करा दिया। अब मान लो आप चाहते हो कि जब भी कैरेक्टर ए हो तो ये चीज़ प्रिंट हो जाए, और जब भी केस हो कैरेक्टर बी तो ये प्रिंट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें। तो ये कैरेक्टर पे भी काम कर रहा है फिलहाल। दूसरी वाली बात मैंने बताया थी कि ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये वैल्यू यहाँ पे एम होना चाहिए, सॉरी ऑल्ट एफ सेव, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, तो कैरेक्टर पे बढ़िया काम कर रहा है। अगर इस ए के जगह पे नीचे ए होता है 97, ए की वैल्यू होती है 97, अगर ए भी लिख देता तभी ये कोड परफेक्टली रन करता। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैर और इंटीजर के अलावा कुछ और लोगे, जैसे फ्लोट ले लिया, यहाँ पे आपने दे दिया 4.5, और आप चाहते हो कि 4.5 में केस बनाओ, 6.5 में केस बनाओ, तो अब ये मना कर देगा, या 6.5 ले लेते हैं, ऑल्ट एफ सेव करो, ऑल्ट आर रन करो, तो ये हमेशा आपको एरर देने वाला है। एरर क्या देने वाला है, स्विच एक्सप्रेशन, स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप, यहीं पर ही पकड़ लिया कि ये इंटीग्रल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, चलो आपने कहा कि ये इंटीग्रल टाइप का होना चाहिए, तो इसे इंट कर देता हूँ और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, लेकिन केसेज आपने 4.5 रहने दिए, तो अब पहला वाला एरर तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले एरर शुरू रहेंगे। हो गया कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो केसेज में भी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, दोबारा की तरह ऑल्ट आर करेंगे, रन करेंगे, तो अपना प्रोग्राम चल गया। ठीक है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने इसको फास्ट फास्ट एग्जीक्यूट करा, आपके पास वीडियो होगा, आप इसको दोबारा से अच्छे से देख लोगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा वाला पार्ट, स्विच केस। ठीक है, तो ये आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है।